हेलो स्टूडेंट्स मेरा नाम डॉक्टर गजन पुरोहित है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी बी एसी आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है सुन आज मैं आप फूरियर सीरीज के अंदर हार्मोनिक एनालिसिस बताने वाला हूँ जब भी हमारे पास डिस्क्रिक्ट डेटा दे रखा है मतलब आपको डेटा टेबल में दे रखा है और आपसे पूछा जाए कि इसका जो फूरियर सीरीज़ है वो क्या आएगा तो सुन ये कंसेप्ट यूज़ किया जाता है नॉर्मली जब हम प्रैक्टिकल करते हैं खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल के अंदर इस टाइप के जो कंसेप्ट है उस पर बेस्ट पूछा जाता है है ना और कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी इसका क्वेश्चंस बन जाते हैं स्टूडेंट के लिए तो आपके पास कोई भी डेटा अगर हमारे पास डिस्क्रिट दे रखा, फंक्शन फॉर्म में नहीं दे रखा, जैसे आपने मान लीजिए कोई प्रैक्टिकल गया उसकी कुछ पर्टिकुलर एंगल पे आपको यहाँ पे या पर्टिकुलर इंटरवल पे हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ रहा है तो उसकी अगर आपको देखना है कि वो साइन सीरीज है या कोसाइन सीरीज है या किस टाइप का आउटपुट आ रहा है तो उसको हम हारमोनी क्लासेस की हेल्प से देख सकते हैं तो सुन शुरू करता है

इस सुन यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कभी कभी मैंने बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स देखे हैं पुराने भी वीडियोस के अंदर कि सर हमारी बुक में तो यहाँ पे बाई टू दे रखा है सर आपने यहाँ पे ऐसा कर रखा है तो क्या सर ये सही है या नहीं है तो भैया बात बराबर उस वाले केस में हमारे पास यहाँ पर ट्वाइस हो जाएगा राइट है ना तो अल्टीमेटली एक ही बात है ना फार्मूले में यहाँ पे आपको टू बाई एन दे रखा होगा टू बाई एन टू बाय एन सब एक जैसा होगा इसलिए यहाँ पे उसने जीरो बाई टू कर रखा तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इससे भी आंसर वही आएगा उससे भी आंसर वही आएगा क्लियर है कुछ क्वेश्चन करके बताता हूँ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है की टेबल दे है आपको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास जो फर्स्ट हमारे पास साइन और कॉस है इसका कॉफिशन निकला मतलब अगर हम बात करी जाए तो एफ एक्स इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास ए जीरो ए वन प्लस बी वन साइन इसी टाइप से हमारे पास आता है ए टू कॉस टू b2 प्लस बी टू साइन टू तो आपसे ऐसे चलता जाता है ये ना तो सुन ये हमारे पास जो होता है ये फर्स्ट हारमोनिक होता है ये हमारे पास सेकेंड हारमोनिक होता है क्लियर है इस तरह से चलता जाता है है ना तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या बन सकता है आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी कांस्टेंट टर्म क्या होगी है ना या फिर कभी कभी ए सी और डी सी फॉर्म में पूछा जाता है कि इसका ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होगा डायरेक्ट करंट क्या होगा है ना तो उसमें जो कॉन्टेंट टर्म होता है ये डी सी दिखाता है ये डायरेक्ट करंट को दिखाता है और जो हमारे पास यहाँ पे कॉफिशेंट्स होते हैं ए वन बी वन ए टू बी टू है ना ये जो होता है ये हमारे पास क्या दिखाता है उसने ऑल्टरनेटिंग करंट को दिखाता है ना क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वैव बनती है क्लियर है एक और कभी कभी यहां पे हमसे ये पूछा जाता है कि फाइंड द लाइक एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक तो सुन जब भी हमारे पास ऐसा पूछा जाए तो एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक का मतलब क्या होता है सुन निकालना है एंड अंडर प्लस बी वन स्क्वायर निकाल देना क्लियर तो यार ये हमारे पास यहां पे पूछ क्वेश्चन पूछा जाता है कभी आपसे पूछा जाए कि इज द कोफिशिएंट ऑफ साइन टू थीटा तो भैया सिर्फ आपसे बी टू पूछ रहा है क्लियर है तो अलग अलग तरीके हिसाब से आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपको दिमाग में यह रखना है कि जब भी हमारे पास कोई भी क्वेश्चन यहां पे पूछा जाए तो आपको एंगल चाहिए देखो यहां पे एंगल नहीं दे रखा है अब एंगल कैसे लेंगे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है नॉर्मली हमारे पास 360 डिग्री होता है ये हमारे पास टोटल छह दे रखिए तीन सौ में छह का भाग लगा तो साठ डिग्री आएगा इंटरवल क्लियर है तो आपको यहाँ पे क्या करना है सुन जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो आपको यहाँ पे ठीटा चाहिए क्या चाहिए भैया थीटा चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पे जैसे बोला जा रहा है कि ए जीरो ए वन और बी वन निकालो तो हम जानते हैं कि जो ए जीरो होता है वो तो हमारे पास हो जाएगा समेशन वाई बाय

तो यहाँ पे 60-60 के इंटरवल में आएगा अगर बाई चांस यहाँ पे आठ दे रखा, तो डिवाइडेड बाय आठ कर देंगे अगर हमारे पास यहाँ पे 12 दे रखा तो डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे क्लियर तो उस वाले केस में 30-30 डिग्री -30 चलेगा क्लियर तो बात करते सुनिए जीरो आएगा ये सिक्सटी आएगा ये आएगा हमारे पास 120 है ना फिर ये आएगा हमारे पास यहाँ पे एक है ना ये आएगा हमारे पास 240 ये आएगा हमारे पास 300 सौ है ना इतना ही आएगा क्योंकि वापस 360 सिक्सटी जीरो हो जाएगा है ना सो so नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे वाई जो दे रखा है वो क्या दे रखा है बेटा 9 18 है ना 24 28 छब्बीस एंड बीस दे रखा है अब हमारे पास ए ज़ीरो भैया ए जीरो तो ये सीधा आ जाएगा समेन वाई यहाँ पे जो भी इसको ऐड करोगे है ना ऐड करोगे तो आई थिंक ये आएगा हमारे पास 125 क्लियर है तो यहाँ पे हमारे पास जो ए जीरो आएगा उसकी वैल्यू आएगी समेशन वाई अपॉन एन ये आएगा वन ट्वेंटी फाइव अपॉन सिक्स करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा अब बात करी जा रही है कि आपको ए वन और बी वन भी चाहिए तो भैया हम क्या करेंगे ए वन के लिए ए तो वन के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या चाहिए हमें यहाँ पे चाहिए वाई कॉस्टिटा चाहिए तो क्या करेंगे बेटा यहाँ पे आएगा वाई कॉस्टिटा क्लियर तो बेटा वाई कॉस्टिटा क्या आएगा सुन तो नाइन है

तो सुन ये हो जाएगा माइनस का ट्वेंटी एट इसी टाइप से नेक्स्ट बात करेंगे कॉस यहाँ पे हमारे पास टू फोर्टी हो जाएगा टू फोर्टी मतलब कॉस पाई प्लस सिक्सटी है ना तो ये थर्ड क्वाडेट में कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस का कॉस सिक्सटी माइनस वन बाई टू मतलब ये माइनस का तेरह आ जाएगा क्लियर है इस यहाँ बात करेंगे तो ये आएगा हमारे पास ट्वेंटी कॉस थ्री हंड्रेड सुनिए फोर्थ क्वारेट आएगा और फोर्थ कॉर्डेट में कॉट यहाँ पे क्या आता है सुन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे हमारे पास क्यूली वन बाई टू होगी तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा सुन टेन हो जाएगा क्लियर है तो अब इसको बात करेंगे सुनिए हमारे पास हो रहा माइनस का 40 माइनस के 40 में से 16 गया तो माइनस का 30 माइनस के 30 और माइनस का 13 माइनस का 43 माइनस के 43 में से 18 गया तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 25 तो सुन यहाँ से हमारे पास जो a1 की वैल्यू आएगी, आएगी वो आएगी 2 n समेशन y cos होगा तो बेटा ये आएगा 2 6 एंड माइनस का 25 आएगा माइनस का पचास बाय भैया कैलकुलेटर लगा के सॉल्व कर देना नेक्स्ट बात करेंगे सुन B1 के लिए, तो, तो, तो बेटा तो वाई हमारे पास नाइन है एंड ये आएगा साइन जीरो तो भैया यहां से वैल्यू जीरो हो जाएगी साइन सिक्सटी आएगा तो सुन रूट थ्री बाय टू होती है तो सुन आएगा नाइन रूट थ्री हो जाएगा इसी टाइप से नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे ट्वेंटी फोर साइन वन ट्वेंटी सुनिए यहाँ से भी हमारे पास इसकी वैल्यू होती है वो रूट थ्री बाई टू ही होती है तो यार ये आ जाएगा हमारे पास ट्वेल्व रूट थ्री हो जाएगा नेक्स्ट हमारे पास ये आएगा ट्वेंटी एट साइन वन एटी भैया ये तो हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा नेक्स्ट हमारे पास आएगा ट्वेंटी सिक्स साइन टू फोर्टी तो भैया ये नेगेटिव होता है थर्ड कॉडक्ट के अंदर तो यार माइनस का रूट थ्री बाई टू होगा तो माइनस का थर्टीन रूट थ्री हो जाएगा एंड एक्सट यहाँ पर आएगा ट्वेंटी साइन

टू रूट थ्री आएगा यहाँ पे है ना टू रूट थ्री आएगा तो टू से कैंसिल करेंगे और नीचे हमारे पास थ्री आ रहा कोई दिक्कत नहीं भैया ये माइनस का फोर रूट थ्री अपॉन सिक्स है सॉल्व करेंगे तो सुनिए आएगा माइनस का टू रूट थ्री अपॉन थ्री तो ये आएगा हमारे पास माइनस का टू अपॉन रूट थ्री इसकी वैल्यू आप कैलकुलेटर से निकाल के वैल्यू पुट कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा क्लियर तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ईजिली कर सकते हैं इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ प्रोवाइड कर रखा है इसमें आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं यहाँ पे इस अगर आप सी एस आई आर नेट गेट या आई टी एग्जाम की तैयारी कर करें तो हमारी बुक्स अमेजन और फ्लिपकार्टे पर अवेलेबल है यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हमने काफी अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं आप इनको बाय कर सकते हैं सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा देखो यहाँ पे एंगल सब कुछ दे रखा है आपसे पूछा रहे कि फाइंड द कॉफिशन ऑफ साइन टू टीटा यार बड़ा इजी क्वेश्चन है कुछ नहीं करना आपको यहाँ पे टीटा दे रखा है है ना और वाई दे रखा है है ना तो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा ध्यान दीजिएगा यह आएगा जीरो तीस साठ नब्बे एक सौ बीस एक सौ पचास एक सौ अस्सी दो सौ दस दो सौ चालीस दो सौ सत्तर हमारे पास यहाँ पे आएगा तीन सौ एंड थ्री थर्टी सुनिए हमारे पास दे रखा इसकी कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे वाई दे रखा हमारे पास पॉइंट नाइन एट सेवन पॉइंट टू फाइव पॉइंट सिक्स थ्री पॉइंट सिक्स वन पॉइंट सेवन है ना 0.5, 0.2, 0.9, 2.5 पॉइंट टू जीरो पॉइंट नाइन टू एंड फोर एंड अब आपसे पूछा रहा कि what इज़ द coefficient ऑफ sine 2 theta इन द the Fourier series? सीरीज तो बेटा हमारे पास जो Fourier series सीरीज होती है वो हमारे पास क्या होती है उसने अगर बात करें तो f x is equal to a zero summation n is equal to one से infinity बेटा ये आएगा a in, cos n theta plus b n एन n theta हो जाता है इसे यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि जो अगर इसको खोलें हम लोग यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन कॉस टीटा प्लस बी वन साइन ठीटा आता है इसी टाइप से नेक्स्ट बात करेंगे तो यह आएगा ए टू कॉस टू टीटा प्लस बी टू साइन टू टीटा इस टाइप से हमारे पास ये फोर सीरीज चलती रहती है आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द कॉफिशन ऑफ साइन टू टीटा इन द फोर सीरीज तो यार साइन टू टीटा का जो कॉफिशन होता है वो बी टू होता है और बी टू की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है टू बाई एन समन वाई साइन टू टीटा होता है क्लियर है तो भैया हम क्या करेंगे यहां पे जब भी हमारे पास इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो यार हम क्या करेंगे यहां पे यहां पे निकालेंगे वाई साइन टू टीटा तो बेटा वाई तो हमारे पास पॉइंट है साइन टू टीटा जीरो आएगा तो सुन यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो हो जाएगी नेक्स्ट हम बात करेंगे सुन ये आएगा हमारे पास एट साइन यहाँ पे सिक्सटी हो जाएगा और तो सुन इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास रूट थ्री बाई टू हो जाएगी तो सुनिए आएगा फोर रूट थ्री इसी टाइप से यहाँ पे आएगा हमारे पास सेवन पॉइंट टू साइन 120 आएगा इस टाइप से आप इसकी यहाँ पे वैल्यू निकालते जाएंगे ना इसी टाइप से आएगा 5.6 है ना साइन वन एटी आ जाएगा इसी टाइप से ये आएगा 3.6 पॉइंट सिक्स साइन टू आ जाएगा यहाँ पे है ना बट एंगल का डबल करना है ना इसी टाइप से 1.7 पॉइंट सेवन साइन थ्री आ जाएगा इसी टाइप से 0.5 पॉइंट फाइव साइन थ्री आ जाएगा इसी टाइप से यहाँ पे आएगा ज़ीरो पॉइंट टू साइन आ जाएगा यहाँ पे है ना इसी टाइप से ये आएगा ज़ीरो पॉइंट नाइन साइन आ जाएगा इसी टाइप से आएगा टू पॉइंट फाइव साइन आ जाएगा इसी टाइप से 4.7 पॉइंट सेवन साइन सिक्स आ जाएगा यहां पे क्लियर है इसी टाइप से आएगा 6.8 पॉइंट एट साइन सिक्स आ जाएगा है ना नाउ जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास समेशन वाई साइन टू टीटा निकालेंगे एन देन ये उठा के यहाँ रखेंगे टू बाय एन है तो सुन यहाँ पे जो एन की वैल्यू आ रही वो हमारे पास कितनी आ रही है सुन एन हमारे पास यहाँ पे आ रहा है ट्वेल्व है ना अगर आप इसको काउंट करेंगे दो दो चार दो छः दो आठ दो दस और दो बारह तो ये आएगा बाय ट्वेल्व और यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी है ना ये आप कैलकुलेटर सॉल्व करके आप यहाँ पे इसको रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा देखो इसका जो आंसर आएगा कैलकुलेशन क्या होगी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये मैंने पूरी टेबल बना के समझा रखा है ना माइनस फोर पॉइंट माइनस जीरो पॉइंट फोर बनाएगा डिवाइडेड बाय आप यहाँ पे क्या कर देंगे भैया टू बाय ट्वेल्व इंटू माइनस का जीरो पॉइंट फोर वन आएगा तो इससे हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा मतलब जो आपका बी uh, टू आएगा तो बी टू की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो हमारे पास क्या आएगी सुन टू बाय ट्वेल्व समेशन वाई साइन टीटा आएगा तो सुनिए आएगा हमारे पास वन बाय सिक्स और इसकी वैल्यू आ रही माइनस का पॉइंट फोर वन तो सुन इसकी जो वैल्यू आएगी माइनस का पॉइंट जीरो सेवन तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली कर सकते हैं सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है फाइंड द फूरियर सीरीज एज द सेकंड हार्मोनिक टू रिप्रेजेंट द फंक्शन गिवन बाय द फॉलोइंग डेटा मतलब आपको यहाँ पे अप टू सेकंड हार्मोनिक तक इसकी फूरियर सीरीज निकालनी है तो भैया हम जानते हैं कि हमारे पास जो फूरियर सीरीज होती है होती है ए जीरो प्लस समेशन यहाँ पे आएगा एन इज इक्वल टू वन टू इनिटिव एन कॉस एन टीटा प्लस बी एन साइन एन टीटा होता है अब आपको यहाँ पे अब टू सेकेंड हार्मोनिक तक निकालना है तो ए ज़ीरो आएगा ए वन कॉस थीटा प्लस बी वन साइन थीटा ये फर्स्ट हार्मोनिक है इसी टाइप से हमारे पास ये आएगा ए टू कॉस टू थीटा प्लस बी टू साइन टू आ जाएगा इस टाइप से हमारे पास यहाँ पर ए ज़ीरो बेटा इसकी वैल्यू होती है हमारे पास वन अपन एन समेसन वाई ए वन की जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है टू बाय एन वाई कॉस थीटा इस टाइप से ए टू की वैल्यू होती है वो होती है टू बाय एन समेन वाई कॉस टू थीटा इसी टाइप से हम बात करेंगे यहाँ पे बी वन एंड बी टू तो सुन जो बी वन की वैल्यू आएगी है ना वो हमारे पास होगी सुन टू बाय एन समेशन वाई साइन थीटा एंड बी टू की जो वैल्यू होगी वो होगी टू बाय एन समेन वाई साइन टू डीटा भैया इन सब की वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे पुट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा क्लियर अगर हमें बोला जाए कि फाइंड द फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द फर्स्ट हार्मोनिक तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ए वन की वैल्यू निकाल लेंगे अंडर रूट ऑफ क्या आएगा भैया ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर आएगा अगर हमें बोला जाए कि फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द सेकंड हार्मोनिक तो ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क् का अंडरूट कर लेंगे ना भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी कभी हमें यह पूछा जाए कि मान लीजिए आपको इसकी सेकंड हार्मोनिक तक फूरियर सीरीज निकाल ली फिर आपसे पूछा जाए कि फाइंड द दिस वैल्यू इज इक्वल टू सेवेंटी फाइव डिग्री ना? तो भैया क्या करना है आपको पूरा ए जीरो ए वन ए टू बी वन बी टू की वैल्यू पुट कर दीजिए फिर जो भी हमारे पास आंसर आ उसमें ठीठा की जगह सेवेंटी फाइव पुट कर दीजिए कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो पर्टिकुलर अप टू सेकेंड हार्मोनिक सेवेंटी फाइव डिग्री पे कितना वैल्यू देगा ये आपको पता पड़ जाएगा तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं अगर सुन मैं बताना चाह रहा हूं कि फोरियर सीरीज पे मैंने हार्मोनिक एनालिसिस पे पहले एक वीडियो अपलोड किया उसमें कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन ले रहे आपने वो नहीं देखा तो आप आईटी पे जाके देख सकते हैं या आप स्क्रीन पे भी आपको वीडियो नजर आ जाएगा क्या मुद्दे पे आता है इस्विन हमारे पास क्वेश्चन देखा है तो यहाँ पे ठीठा चाहिए है ना तो ठीटा हमारे पास अगर हमारे पास सिक्स टर्म दे रखी है तो ऑब्वियसली हमारे पास होगा जीरो है ना साठ फिर, आ आ फिर, फिर ये तो आएगा हमारे पास वन ट्वेंटी फिर हमारे पास ये आएगा वन एटी है ना फिर आएगा ये टू फोर्टी फिर आएगा हमारे पास थ्री हंड्रेड क्लियर है अब इस वाई वाई हमारे पास यहाँ पे गिवन है बेटा कितना दे रखा है चार आठ पंद्रह सात छः एंड दो है ना बेटा यहाँ से समेशन वाई निकाल देंगे जो भी वैल्यू आएगी उसको उठा के हम रख देंगे है ना ठीक है तो यहाँ से हमारे पास समेसन वाई की वैल्यू रखेंगे और अगर आप देखेंगे तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या सुन वन बाई सिक्स और जो भी वैल्यू आएगी उसको रख के सॉल्व कर देंगे हमारे पास ए जीरो आएगा राइट इसी टाइप से हम बात करेंगे हम यहाँ पे वाई कॉस पे है ना तो अगेन यार वो आएगा हमारे पास फोर कॉस जीरो तो फोर आ जाएगा बात करेंगे अभी एट कॉस्ट सिक्सटी तो एट कॉस्ट सिक्सटी मतलब ये हमारे पास हो जाएगा एट इंटू वन बाई टू तो यार ये हमारे पास फोर आ जाएगा सुन यहाँ पे वन ट्वेंटी पूछ रहा है तो ये आएगा माइनस का 15 बाई टू आएगा या सुनिए आएगा हमारे पास माइनस का 7, ये सुनिए आएगा हमारे पास माइनस का 3, सुनिए आएगा हमारे पास 1, क्लियर है तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसको जोड़ेंगे तो समेशन वाई कॉस टीटा आ जाएगा इसी टाइप से अगर आप देखेंगे तो यार यहाँ से हम वाई साइन ठीटा निकाल सकते हैं ना आपको एक बार एक एक करके निकालेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा वाई साइन टीटा निकाल लेंगे ना तो वाई साइन टीटा क्या आ गया सुनिए वाई तो हमारे पास फोर है साइन जीरो जीरो जाता है सुन एट साइन सिक्सटी और साइन सिक्सटी वैल्यू होती है रूट थ्री बाई टू तो सुनिए हो जाएगा हमारे पास फोर रूट थ्री हो जाएगा सुन वन ट्वेंटी है तो यार ये या आ जाएगा पंद्रह को पंद्रह साइन वन ट्वेंटी है ना तो साइन वन ट्वेंटी की जो वैल्यू होती है अगेन रूट थ्री टू होती है तो ये आ जाएगा हमारे पास फिफ्टीन एंड सुन ये आएगा रूट थ्री बाय टू हो जाएगा हमारे पास राइट right? इस टाइप से ये तो हमारे पास जीरो हो जाएगा सुन टू फोर्टी है टू फोर्टी पर साइन नेगेटिव होता है तो ये माइनस हो जाएगा और ये सिक्स हमारे पास यहाँ आ रहा है और अगेन ये हमारे पास रूट थ्री बाई टू हो जाएगा सुन थ्री हंड्रेड पर भी नेगेटिव होगा तो यह आएगा माइनस का टू रूट थ्री बाय टू हो जाएगा क्लियर है सुन इन सबको एड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा समेशन वाई साइन थीटा आ जाएगा इसी टाइप से हम क्या करेंगे भैया नेक्स्ट हम वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे वाई साइन टू थीटा एंड यहाँ पे निकालेंगे वाई कॉस टू थीटा क्लियर ये हम वैल्यू निकाल लेंगे है ना तो यहाँ से हमारे पास आएगा वाई साइन टू थीटा आ जाएगा इस तरफ से आएगा वाई कॉस टू थीटा आ जाएगा क्लियर है है ना तो जब इसकी वैल्यू निकालेंगे आप तो सुनिए वही आएगा वाई साइन टू थीटा तो बेटा डबल कर दो एंगल तो वाई तो हमारे पास फोर देगा ये तो जीरो हो जाएगा है ना बेटा ये एट आएगा और ये वन टू थीटा है तो वन ट्वेंटी हो जाएगा तो वन ट्वेंटी पर तो नेगेटिव हो जाएगा तो यार तो ये आ जाएगा माइनस का फोर रूट थ्री हो जाएगा तो ये 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 हमारे पास 240 आ रहा 240 पे हमारे पास साइन क्या होता है नेगेटिव होता है तो यार ये हो जाएगा माइनस का 15 हमारे पास ये हो जाएगा और यहाँ से इसकी वैल्यू रूट थ्री बाई टू हो जाएगी क्लियर है इस टाइप से जीरो पे तो हमारे पास जीरो ही होगा 360 डिग्री पे हो जाएगा है ना इस यहाँ पे 240 रखेंगे तो यार ये हमारे पास हो जाएगा चार सौ मतलब थ्री सिक्सटी है ना तो थ्री सिक्सटी मतलब वन वाली वैल्यू आएगी तो यार ये तो हमारे पास यहाँ पे माइनस रूट आएगा तो इसव सिक्स माइनस रूट तो माइनस का ये हो जाएगा थ्री रूट थ्री हो जाएगा इसमें गलती हुई यहाँ पे कि ये टू डीटा पे हमारे पास एक सौ बीस आएगा और एक सौ बीस पर प्लस होता है माफ़ी चाहूंगा इसमें ये भी हमारे पास यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा आई एम सॉरी इसमें थ्री हंड्रेड है तो ये हमारे पास सिक्स हंड्रेड आ जाएगा और सिक्स हंड्रेड मतलब थ्री सिक्सटी प्लस टू फोर्टी और टू फोर्टी पर हमारे पास नेगेटिव होता है तो इसमें ये आ जाएगा हमारे पास टू इंटू रूट थ्री बाई टू तो यार ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा टू कि नेगेटिव होगा तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारे पास माइनस का टू रूट थ्री बाई टू हो जाएगा सुन ये हमारे पास वैल्यू आएगी इसकी वेल्यू हम लेंगे आंसर आएगा इसी टाइप से वाई कॉस टू डी निकालेंगे तो यार वाई कॉस टू डेटा हमारे पास यहाँ पे क्या होता है तो थोड़ा सा मैं आपको करके बता दूँ थोड़ा सा कैलकुलेशन है भैया पर हो जाएगा है ना तो वाई हमारे पास यहाँ पे फोर दे रखा है, है ना? और कॉस्ट टू डेटा तो ये तो हमारे पास फोर ही हो जाएगा नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एट दे रखा है और ये वन ट्वेंटी हो रहा है ना तो सुन ये हमारे पास आएगा माइनस का एट बाई टू हो जाएगा इसी टाइप से अगर हम बात करें यहाँ पे तो सुनिए दो सौ चालीस हो रहा है और दो सौ चालीस पर कॉस्ट अगेन नेगेटिव होता है तो माइनस का फिफ्टीन बाई टू हो जाएगा नेक्स्ट हमारे पास तीन सौ साठ हो जाएगा तो यहाँ से तो हमारे पास इसकी वैल्यू वन होती है तो सुनिए हमारे पास सेवन हो जाएगा नेक्स्ट दो सौ चालीस इंटू दो करेंगे तो दो सौ चालीस इंटू दो करेंगे तो चार सौ अस्सी मतलब ये 360 सिक्सटी प्लस वन मतलब 120 की बात करें वन ट्वेंटी पे कॉस्ट नेगेटिव होता है

जो आएगा माइनस का ट्वेल्व सॉरी प्लस का आएगा एंड वाई साइन टू डेटा की जो वैल्यू आएगी माइनस का टू पॉइंट की वैल्यू जो आएगी माइनस का हम क्या रखेंगे भैया है ना तो सुन मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वेगी फोर्टी टू अपॉइंट सिक्स तो यार ये 7 आ जाएगा अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आएगा हमारे पास 2 बाई सिक्स इज 1 बाई थ्री एंड वाई कॉस्ट हमारे पास यहाँ पे है सुन माइनस का 8.5 आ रहा इसको कैलकुलेटर सॉल्व कर लेना आप लोग इसी टाइप से हमारे पास यहाँ जो वैल्यू आ रही हो by 3 and है वो 1 बाय थ्री एंड y cos 2 डीटा की जो वैल्यू आ रही है वो माइनस का 4.5 आ रही है इसी टाइप से अगर आप इसकी बात करेंगे तो सुन ये आएगा हमारे पास 1 बाई थ्री एंड y sin टीटा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारे पास ट्वेल्व नाइन नाइन इसको सॉल्व कर लेना आपका आंसर आएगा इसी टाइप से ये देखेंगे तो ये टू बाई सिक्स मतलब वन बाई थ्री आएगा ना अल्टीमेटली ये हमारे पास यहाँ पे वन बाई थ्री लिख देता हूँ मैंने टू बाई सिक्स को वन बाय थ्री ले देते हैं ना तो सुन ये आएगा हमारे पास वन बाई थ्री एंड वाई साइन टू थीटा की वैल्यू जो आ रही है हमारे पास वो आ रही है माइनस का टू पॉइंट फाइव नाइन सुन ये सब हमारे पास वैल्यू आएगी ये सब वैल्यू उठा के आपको यहाँ यहां यहाँ और यहाँ रख देनी है आपका आंसर आएगा अगर पर्टिकुलर एंगल के पूछे तो जो भी हमारे पास वैल्यू पुट करने के बाद जहां पर भी डीटा है वहां पर एंगल पुट कर दीजिए आपका आंसर आएगा तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं ये टेबल को आपको अच्छा तरीके से समझना तो टेबल को मैंने बेहतर तरीके से समझा रखा आप इसको समझ सकते हैं पर अल्टीमेटली कहानी वही जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी सुन ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए आपको कभी कभी यहाँ टी टी बाय सिक्स टी बाय थ्री ऐसा कुछ लगे पर आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब भी फूरियर सीरीज निकालनी होती है तो हमें एंगल चाहिए है ना तो भैया ये टोटल हमारे पास पाँच है यहाँ पे अब एक बहुत बड़ी चीज है जो कि मैंने आपको बताने की कोशिश नहीं करी मुझे ध्यान नहीं रहा पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब भी पहली और लास्ट रिपीट करे अब आप देखो काउंट करोगे एक दो तीन चार पांच छ और सात आ रहा है आप बोलोगे गुरु जी यार या तो छे होना चाहिए बारह होना चाहिए नहीं तो सात आ गया तो हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है जब भी ओड ऐसा नंबर आ रहा हो तो पहला और लास्ट रिपीट कर रहा है मतलब यार ये अगर आप जीरो लोगे ये साठ लोगे एक सौ बीस लोगे एक सौ अस्सी लोगे दो सौ चालीस लोगे ये हमारे पास तीन सौ लोगे थ्री सिक्सटी आएगा तो थ्री सिक्सटी और जीरो सेम होता है इसलिए इस लास्ट वाले को हम डिस्कार्ड कर देंगे ये ध्यान देने की जरूरत है ना जब भी पहला और लास्ट रिपीट करे और जब आपको इस टाइप का कंडीशन मिल रहा हो तो लास्ट वाले को कैलकुलेशन में काउंट नहीं करते हैं सिर्फ हमें वाई की जो वैल्यू जो दे रखा है वो एक दो तीन चार पांच और ये लेना लास्ट वाले को नहीं लेना है क्लियर है आज क्या पूछा रहा है कि फाइंड द एम्पलीट्यूड हार्मोनिक तो भैया जो भी हमारे पास फोर सीरीज है उसमें बी वन की वैल्यू निकालनी है फिर यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक निकालना तो ए वन इज इक्वल ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर निकालना एंगल आपको दे रखा है आराम सबको कर सकते हैं इसका जो भी आंसर है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कैसी लगी आपको ये फोरियर सीरीज की पूरी सीरीज ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको पूरी से इसकी पूरी प्लेलिस्ट देखनी देखनी तो आप यहाँ जाकर मेरी वीडियोस को देख सकते हैं अगर आप सी एस आई नेट गेट और आई डी के वीडियोस देखना चाह रहे हैं तो हमारा बीच वाला चैनल है उसकी आप प्लेलिस्ट देख सकते हो और उसको यहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू बाय